Good morning, students. Yesterday we studied real numbers and Euclid division lemma. हमने Euclid division lemma के कुछ questions भी किए थे और हमने HCF भी find किया था Euclid division lemma से. और मैंने आपको homework भी दिया था. I hope you all have done your homework. So let's start today's class. We will discuss exercise 1.2 and the first question is express each number as a product of its prime factors. Means aapne kya nikalna hai? Prime factors nikalne hai and find karna hai ki ye jo aap prime factors nikalte ho kya ye product hota hai jis numbers ke aap factors nikalte ho like 140. So, 140 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. 140 लिखेंगे सबसे पहले. अब 140 को हम देखेंगे किससे डिविजिबल है. 140 2 से डिविजिबल है. सो 2 से हम 140 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशेंट आता है 270 जा 140. सो क्वोशेंट हम यहां लिखेंगे. अब हम 70 को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे. 23 जा 6, 25 जा 10. अब 35 को डिवाइड करेंगे. 57 जा 35, 71 जा 7. ये जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. सो आप इससे अच्छी तरह से जानते हो, इसे आप निकाल सकते हो. अब देखिए ये जो इसके फैक्टर्स आए 2 × 2 × 5 × 7. देखो अब हमने एक्सप्रेस करना है कि ये जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं ये इनको अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा 140 आएगा. तो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 27 = 140. सो जो भी फैक्टर्स हमारे आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनका अगर हम प्रोडक्ट देखें तो वो जिस नंबर के हमने फैक्टर्स निकाले होते हैं वही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 7429 इसके फैक्टर्स निकालेंगे. सो 7429 है, ना ये 2 से जाता है. वैसे हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ना ये 2 से जाता है, ना 3 से जाता है, ना 4 से. ये जाता है 17 से. तो 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आता है 437. अब 437 को हम डिवाइड करते हैं तो वो 23 से ही डिविजिबल है. तो 23 से हम जब 437 को डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आता है 13. अब 13 को जब हम डिवाइड करें 13 से डिविजिबल है. सो 13 × 1 = 13. अब इसके जो फैक्टर्स आए इसे हम यहां लिख देंगे. 7429 = 13 × 17 × 23. इसको हम ऐसे रहने देंगे. देखिए ऊपर हमने 2 के बराबर 2 लिखा था. क्यों? क्योंकि यहां पर 2 कितने हैं, 2 हैं. सो इसलिए हमने 2 की पावर 2 लिख दिया था. बट यहां पर कॉमन कुछ भी नहीं है. सो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 13 × 17 × 23. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7429. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF, LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers. तो देखिए क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि हमने वेरीफाई करना है. पहले तो हमने LCM निकालना है, उसके बाद हमने HCF निकालना है. जब हम LCM और HCF निकाल देंगे तो हमने LCM को HCF से मल्टीप्लाई करना है और जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का वो प्रोडक्ट जिस भी नंबर का हमने LCM और HCF निकाला है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. तो आइए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है 510 और 92. तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 510 और 92 का. तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को लिख देंगे हम 510 और 92. अब देखिए 510 किससे जाता है, 2 से. सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को ही देखते हैं किससे जाता है. और ये जो हम लेते हैं यहां पर फैक्टर्स ही हम प्राइम नंबर्स ही लेते हैं. ऐसे नहीं कि 510 को हमने 5 से लाइक 10 से डिवाइड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा. इसलिए हम यहां पर प्राइम नंबर्स को ही लेते हैं. तो 2 इज अ प्राइम नंबर. 2 से हम 510 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 255. 92 भी 2 से डिवाइड हो जाता है. तो 2 × 4 = 8 और 1 तो 2 × 2 = 6 = 12. अब 2 से देखो 255 तो डिवाइड नहीं होता है.
अब हम 46 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको करेंगे, इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे हम, तो 2 टू जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब देखो 255 एंड 23 आए, ये सेम नंबर से नहीं जाते हैं दोनों, तो 255 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा, और 23 को एज इट इज लिख देंगे। अब 3 से करेंगे तो 3 17 जा 51 और 23, अब 17 वन जा 17, 23, 23 किसी से नहीं जाता, तो लास्ट में हम 23 से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है, सो ये प्राइम नंबर से ही जाएगा, तो 23 वन जा 23। अब देखिए ये जो इनके आए, जब हम नंबर्स को इकट्ठा करके उनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये आया LCM, LCM ऑफ 510 एंड 92। सो इनको देखो, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है और इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो है हमारा 23,460। तो ये रहा हमारा LCM ऑफ 510 एंड 92। अब हम HCF निकालेंगे। देखो कल हमने पढ़ा था यूक्लिड मैथड, यूक्लिड मेथड से हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, तो प्राइम फैक्टर HCF निकाला था यूक्लिड मेथड से। तो ये HCF निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है यूक्लिड मेथड और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही HCF भी निकालेंगे। यूक्लिड मेथड तो आपने सीख लिया है, तो 510 का हम HCF निकालेंगे, तो पहले इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। देखो HCF में हम अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, 510 के फैक्टर्स निकाल देंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ये आ गए 510 के फैक्टर्स। अब 92 के भी फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, अब इनको हम अलग अलग से लिख लेंगे 510 के फैक्टर्स एंड 92 के फैक्टर्स। अब देखो जब हम HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं, तो हम कॉमन देखते हैं। देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 17 तो इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 ओनली, सिर्फ 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हमारा HCF आ जाएगा 2। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें 2, ओनली जो कॉमन आएगा उसी को हम लेंगे यहाँ, और एक बार ही लेंगे। सो HCF आ गया हमारा 2। सपोज अगर इसमें कॉमन कुछ नहीं आता है तो हमारा HCF क्या होगा, तो HCF हमारा 0 नहीं होगा, 1, क्योंकि 1 तो हर नंबर में कॉमन होता है, क्योंकि 1 का मल्टीपल, हर नंबर मल्टीपल होता है 1 का। सो इसका HCF क्या आना था, फिर 1 आना था, बट अभी हमारे पास 2 कॉमन है, तो हमने HCF निकाला इसका 2। अगर मान लो 2 से ज्यादा नंबर्स कॉमन आ जाते हैं, मान लो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम 3 को भी ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा HCF 6 आ जाता, बट 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। सो ये मैंने आपको एक अलग केस बता दिया, और क्वेश्चन जब करोगे तो हो सकता है ऐसा आए। ओके अब वेरीफाई करते हैं। देखो LCM और HCF को हमने वेरीफाई करना था क्वेश्चन में, कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो पहले हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो LCM हमने निकाला था 23,460, मल्टीप्लाई HCF हमने निकाला 2, और इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 46,920। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं टू नंबर्स का, प्रोडक्ट किसका निकालेंगे, 510 एंड 92 का। तो 510 और 92 का प्रोडक्ट कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके भी आता है 46,920। सो अब वेरीफाई करते हैं, तो LCM आपका आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करिए 46,920, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, तो हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो मैंने अभी आपको बताया LCM निकालने का, तो आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 एंड 21। इसका LCM निकालना, तो हम एक साथ लिख देंगे, तो 2 6 है 12, 15 नहीं जाता है 2 से, उसको एज इट इज लिखेंगे, 21 को भी एज इट इज लिखेंगे, 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, और फिर 7 से करेंगे। तो इस तरह से ये फैक्टर्स का जो मल्टीपल होगा वो हमारा आ जाएगा LCM ऑफ 12, 15 एंड 21।
तो एलसीएम आया हमारा 420। अब एचसीएफ निकालेंगे तो 12, 15 और 21 के फैक्टर्स अलग अलग निकाल लेंगे हम। तो 2 × 2 × 3, इसमें 3 × 5, इसमें 3 × 7। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 कितना आएगा? 3। तो ये आ गया हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाकी क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं, होमवर्क है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बुक में, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। तो एचसीएफ आपको गिवन है, एलसीएम आपने फाइंड कर लेना है। जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया, इन दोनों को एक साथ लिखोगे और एलसीएम फाइंड करोगे, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। और बाकी आपको पीडीएफ में दे दूंगी इस पेज की, इसमें बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके लिए होमवर्क है। और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लोगे।